जो इस पिक्चर में दिखाई जाती है, या ये एक बात, हाँ जो पूरा ये नैरेटिव है कि बीबीसी ने कुछ डेलिबरेट ओमिशंस किए, कुछ चीजों को नहीं दिखाया, कुछ को दिखाया, और अब भारत में जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि भाई बीबीसी क्या भारत की सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा बड़ा हो गया है, भारत की जुडिशरी से या भारत की एनफोर्समेंट एजेंसी से ज्यादा बड़ा हो गया है? तो ये जो दो तरीके की जो चीजें चल रही है, इससे आपको क्या लगता है कि फायदा इससे नरेंद्र मोदी को हो रहा है, या फिर ये दोनों के लिए एक विन-विन सिचुएशन है कि बीबीसी ने अपनी बीबीसी टू चैनल पर जो डॉक्यूमेंट्री दिखाई है वो अच्छे से बिक जाएगी इस कंट्रोवर्सी की वजह से, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी को राजनीतिक तौर पर फायदा मिलेगा? नहीं, इसमें दो बातें हैं। एक तो बीबीसी को लेकर के ब्रिटिश पार्लियामेंट में अभी वहां पे बहस हो रही है, और उस पर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, जो कुछ भी रिपोर्ट है। तो सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है। अब देखिए, 2019 में ठीक चुनाव के पहले मई महीने में टाइम मैगजीन की एक रिपोर्ट आई थी, कवर स्टोरी आई थी, डिवाइडर इन चीफ, और आतिश तासीर साहब ने उसको आर्टिकल को लिखा था, और तबलीन सिंह के वो बेटे हैं। उस वक्त भी टाइमिंग को लेकर के बड़ी चर्चा हुई कि भाई ये ठीक इलेक्शन के पहले ये रिपोर्ट क्यों आई। उसका भी फायदा मोदी जी को हुआ, सबने देख लिया 2019 में थंपिंग मेजोरिटी से लौट करके आ गए। 2002 के बाद 4-5 तो आम चुनाव हो गए, और 5-1 चुनाव गुजरात में हो गए। तो ये जो विषय है, इस विषय पे जो पीपल्स मैंडेट है, आप उसे अगर ये कहें तो पीपल्स मैंडेट तो ऐसा लगता है कि हमेशा नरेंद्र मोदी के पक्ष में गया है। अब ये सवाल उठ सकता है कि पीपल्स मैंडेट उनके पक्ष में जाने का ये मतलब नहीं है कि सच या झूठ का फैसला हो गया। अब सच या झूठ का फैसला, जो पार्टी इन द पावर है वो ये कह रही है कि भाई हम इसको सुप्रीम कोर्ट में भी गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी हमें क्लीन चिट दे दिया। अब यहां से एक बात उठती है कि आप ये कह सकते हैं कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया तो क्या हुआ, वो भी कोई ये नहीं है। तो ये सारे सवाल तो बीबीसी के ऊपर भी उठेंगे, बीबीसी की क्रेडिबिलिटी पर भी उठेगा। अगर बीबीसी के रिपोर्ट को उनके ही देश के प्रधानमंत्री खारिज कर दें, और वो भी ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट कह रहे हैं, ऑन द हाउस इन हाउस कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बयान दे रहे हैं कहीं पर, वो एक पार्लियामेंटेरियन का जवाब दे रहे हैं वो, और ब्रिटिश पीएम अगर अपने ही ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग के रिपोर्ट को वो खारिज कर देते हैं, तो ये तो डिबेटेबल हो जाएगा कि वो कितना क्रेडिबल है। आपने एक सवाल उठाया कि हमारे यहाँ के एक टेलीविजन समूह ने कहा कि क्विट इंडिया, बीबीसी क्विट इंडिया, बीबीसी के ऊपर मैं उस एंकर विशेष से मेरी कोई सहमति नहीं है, लेकिन बीबीसी इन दिनों अपने साख को लेकर के एक संकट से गुजर रहा है। महामारी के दौरान जो बीबीसी ने रिपोर्ट किया है, वो अभी बीबीसी के दफ्तर के बाहर में इंग्लैंड में बहुत जोरदार प्रदर्शन हो रहा है, और वो महामारी को लेकर के हो रहा है कि उनकी रिपोर्टिंग क्या रही है, और उस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो एक रिपोर्ट को लेकर के उनकी साख पर या किसी मीडिया हाउस के साख पर सवाल उठ सकते हैं, नहीं भी उठ सकते, ये एक डिबेटेबल विषय है। मेरा जहां तक मानना है कि इस तरह की रिपोर्टिंग और उसकी जो टाइमिंग है, वो मोदी जी को अब तक का जो इतिहास रहा है वो मोदी जी को फेवर किया है, मोदी जी को उससे लाभ हुआ है, और फिर ऐसा लगता है कि इस तरह के जो रिपोर्ट्स आए हैं इससे बिल्कुल लाभ होगा। जो डिलीट कराया गया है, जो सवाल उठा है कि सरकार ने ऐसा क्यों डिलीट कराया, सरकार अगर डिलीट नहीं कराएगी तो विवाद कैसे उठेगा, कैसे ये होगा कि आप डेमोक्रेटिक वैल्यू का कैसे महुआ मोहित्रा ये सवाल करेगी कि आप हमारी आवाज को दबा रहे हैं, एक रिपोर्ट को दबा रहे हैं। एक दूसरी बात हमको ये लगता है कि ये जो रीच आउट पसमांदा मुसलमान को लेकर के है, उसमें हो सकता है कि इस डॉक्यूमेंट्री को देखने से कुछ असर पड़े। तो ये इनका जो रीच आउट का प्रोग्राम है, उसको हो सकता है कि इसलिए सरकार नहीं चाहती थी, सरकार चाहती है कि जो फैक्चुअल नहीं है, जिस पर हमें क्लीन चिट मिल गई है, तो वो उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। इसमें सरकार का प्रेरोगेटिव है, इसे कोई भी सरकार रहती है तो वो करेगी, आप उसमें मोदी जी को मान करके मत चलिए। आप कोई भी सरकार करेगी इस तरह का कि भाई हमारे खिलाफ जो है सो वीशियस कैंपेन चलाया जा रहा है और वो मिलीशियस कैंपेन है, ऐसा सरकार कह सकती है। लेकिन ये पसमांदा का जो आउटरीच है, उसका डर जरूर सरकार को सता रहा होगा, ये मुझे लगता है। ये इसके पीछे का एक कारण होगा। दूसरा कारण ये होगा कि इसको दबाएं तो हमें इस पर विवाद होगा, विवाद जब होगा तो हमें
और हमको समर्थन मिलेगा, और समर्थन मिलेगा। इसमें मैं समझता हूं कि जो कोई भी ये नैरेटिव चला रहे हैं और एकदम से जंप इन कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं कि नहीं नहीं वो तो हत्या हो गई और 2000 नहीं 5000 मुसलमानों की हो गई, ये हो गई, ये जितना नैरेटिव जाएगा ये उतना उनके फेवर में जाएगा, क्योंकि उनके तरफ से सवाल आएंगे कि 84 पर कोई डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बना, 84 पर डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं आया। कल एक व्यक्ति बोल रहे थे, ठीक बोल रहे थे, कि विंस्टन चर्चिल के ऊपर बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाया था और उस डॉक्यूमेंट्री में कहा था चर्चिल के बारे में कि दुर्भिक्ष जो हुआ, जो फेमिन्स था बंगाल का, इट वॉज ऑल क्रिएटेड बाय विंस्टन चर्चिल। तो देयरफॉर तो वहां तो अपने आप को क्रेडिबल बनाता है, लेकिन बहुत सारे मुद्दों पे बीबीसी की क्रेडिबिलिटी भी संदेह के घेरे में है, ये सवाल उठाया जा सकता है। आपका जो ये विंस्टन चर्चिल का जो एग्जांपल है, रेवती, आई वुड लाइक टू आस्क यू दैट इज मोदी ट्राइंग टू बिकम द नेक्स्ट विंस्टन चर्चिल? और मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अब जो नैरेटिव बन रहा है और जितने भी केंद्रीय मंत्रियों के बयान आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखिए आउटसाइड फोर्सेस नहीं चाहती है कि मोदी जी एक स्ट्रॉन्ग मैन बने रहे, और ये जो नैरेटिव है ये मोदी जी को सूट करता है कि यू नो ही इज अ स्ट्रॉन्ग मैन हु हैज रेजिस्टेड आउटसाइड फोर्सेस, और डिजिटल वॉरियर्स ने उनको बिल्कुल एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैन के फॉर्म में प्रोजेक्ट कर दिया है। सो हैज बीबीसी रियली हेल्प मोदी टू एनहांस हिज इमेज थ्रू दिस डॉक्यूमेंट्री? वो तो उस बात की दो राय है नहीं, मैं बिल्कुल आशुतोष और आपसे सहमत हूँ कि इसको मोदी जी को फायदा पहुंचेगा, लेकिन मेरे सवाल इससे और थोड़े हैं। एक तो ये कि क्या अगर हम सही मायने पर प्रेस वाले, चाहे बीबीसी हो चाहे हम हो, जरूरी नहीं है कि जो बीबीसी सवाल उठाए उनके प्रधानमंत्री उससे सहमत हो, क्योंकि पॉलिटिशियंस अपना निजी फायदा देखते हैं और प्रेस का रोल पॉलिटिशियंस के साथ सहमति मिलाने से नहीं, उनकी निंदा करने की है। तो प्रधानमंत्री चाहे बीबीसी के, वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चाहे कुछ भी बोले, वो मायने नहीं रखता है। हम लोग निष्पक्ष रूप से किसी भी देश पर, किसी भी देश की पर टिप्पणी करने की हिम्मत रखनी चाहिए। तो वहां पर मैं आशुतोष से तालमेल नहीं खाती हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि बीबीसी पर दो तीन बड़े सवाल उठते हैं कि अगर उन्हें सही मायने से 2002 को खोलना होगा तो एक तो 2002 में हुआ क्या उसको खोलते, दूसरा वो उन्होंने नहीं किया जिसपे बहुत सारे सवाल उठते हैं, दूसरा उन्होंने अपने ब्रिटेन का जो रोल था, उन्होंने कहा कि ब्रिटेन ने मोदी जी की निंदा करी 2002 पर, और ब्रिटेन के दूतों ने कहा कि मोदी जी का हाथ था 2002 के दंगों में सहमति और दंगाइयों के साथ सहमति जताने की, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया और कहा कि उसके बाद उन्होंने वहां पर ब्रिटेन ये जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात में तब वहां ब्रिटेन में जाने से इनकार कर दिया, उनकी वीजा कैंसिल कर दी। लेकिन 2007 के बाद ब्रिटेन ने चुपचाप वो वीजा में रजामंदी कैसे दिखाई, बिजनेस कैसे करने लग गए मोदी के साथ, क्या सडनली ब्रिटेन के दूतों ने अपनी राय बदल दी, क्या ये रिपोर्ट उनके सामने उस समय नहीं था? ये सवाल ब्रिटेन के ही प्रधानमंत्रियों और बीच के जो दूत थे और फॉरेन सेक्रेटरी वगैरह वगैरह पर यही सवाल वापस उन्हीं पर उठाते हैं जो बीबीसी से ने बखूबी से छिपाया है। तो उनका जो हाथ इसमें रंगे हैं खून से, वो उन्होंने सफाया कर दिया। तो वो मेरे लिए एक अहम सवाल है कि ब्रिटेन आप प्लीज अपने खून से रंगे हुए हाथों को भी देखिए। अगर आप 2002 में यहाँ के मुख्यमंत्री, जो उस समय के मुख्यमंत्री थे, उन पर आरोप लगा रहे हैं, तो वही आरोप आप पर भी, आपकी सहमति जो 2007 के बाद इसी मुख्यमंत्री के साथ हुई, उन्हीं के साथ बैठकर बिजनेस किए, वाइब्रेंट गुजरात के समिट पे आप आए, यूरोपियन यूनियन ने भी कहा कि पहले हमने निंदा करी और फिर बाद में बिजनेस करना पड़ा, करना पड़ा का क्या मतलब है? तो आपके उसूल कहाँ चले गए थे उस वक्त?